हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं आलू की पूड़ी बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं इसे झटपट और आसान तरीके से किस तरह से बनाया जा सकता है। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 1 कप आटा और उसमें डालेंगे हम 1/2 कप घिसा हुआ और उबला हुआ आलू, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते। और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। और अब हम इसे अच्छे से आटा लगा लेंगे और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। और हम इसका एक आटा लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस आटे को अच्छे से लगा लिया है चिकना करके। अब हम इसकी पूड़ियां बनाएंगे। हमने इस आटे में गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है और आलू इस्तेमाल किया है और नमक भी है, तो हम इस आटे को छोड़ नहीं सकते हैं कि रेस्ट दे दें 15 मिनट 20 मिनट। बस 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसकी पूड़ियां बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी पूड़ियां बेल लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे इसमें, इसे थोड़ा सा चिकना करने के लिए, ये देखिए। और अब हम इसकी पूड़ियां बना लेंगे। ये देखिए, इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा, ये देखिए, और इस तरह से हम इसकी पूड़ियां बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और बना लेते हैं। अब हम अपनी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ तेल गरम हो चुका है और हमें गैस जो है वो मीडियम आंच पे ही रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे पलट देंगे। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, ये देखिए, और आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारी एक और पूड़ी बनके तैयार हो गई है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार है आसान और झटपट बनने वाली आलू की पूड़ी। तो आप इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। बस ध्यान रखें कि जब इन पूड़ियों को बेलना है तो इन्हें हमें बहुत पतला नहीं बेलना है और मीडियम आंच पे ही बनाना है। तो ये आपकी पूड़ियां बहुत क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेंगी। तो आप इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।